एपिसोड की शुरुआत में हम किलुआ को देखते हैं जो अपने दिल के अंदर कुछ ना कुछ तो सोच रहा होता है, और तभी हम उसका पास्ट देखते हैं जहाँ पे किलुआ अपने घर के अंदर आ रहा होता है और जहाँ पे कोई होता नहीं है। लेकिन अचानक से इलुमी उसके पीछे आता है और बोलता है तुमने अपना मिशन नहीं किया ना, तो ये बोलते कि मैंने नहीं किया। और तब वो बोलता है कि मम्मी तुम्हें बुला रही है, तुम्हें उससे जाके मिलना चाहिए। लेकिन ये बोलता है कि मुझे मम्मी से मिलने का कोई शौक है नहीं। उसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने गोन को पिछले एपिसोड में बहुत बुरी तरह से कूट दिया था। और उसके बाद किलुआ एक पेड़ के ऊपर जाके सेब खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि वही लड़की इसके सामने सर झुका के उसको प्रणाम कर रही है। पता नहीं कुछ तो कर रही है, मतलब ग्रीटिंग दे रही होती है कि गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह चल रहा होता था। तो ये पूछती है कि तुम नहीं हो क्या यहाँ पे, तो बोलते हाँ मैं एक नई बटलर के हिसाब से यहाँ पे काम कर रही हूँ, अप्रेंटिस बटलर, यानी कि पूरा बटलर नहीं, जो पहले ट्रेनिंग लेते ना वो वाला बटलर के हिसाब से काम कर रही होती है यहाँ पे। उसके बाद ये अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है कैनरी। और उसके बाद किलुआ बोलने लगता है कि तुम्हें बार बार मुझे मास्टर मास्टर बुलाने की जरूरत है नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे एम्प्लॉयर हो और मैं तुम्हारी एम्प्लॉई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उस नाम से नहीं बुला सकती, मुझे तुम्हें मास्टर ही बुलाना होगा। उसके बाद किलुआ बोलता है कि तुम भी शैडो स्टेप कर लेती हो, तब ये बोलती है कि शैडो स्टेप क्या होता है, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद किलुआ बोलता है कि जब तुम साइलेंटली चलती हो जिसकी वजह से तुम्हारे आसपास जो भी हो वो तुम्हें नोटिस नहीं कर पाता, तो वही तुम्हारा शैडो स्टेप होता है। और तब कैनरी बताती है कि उसका जो सिटी है वो मीटियोर सिटी है, और मीटियोर सिटी में रहना इतना आसान है नहीं, और शायद उसने वहीं पे ये वाला स्टेप्स सीखा होगा। इसके बाद किलो बोलते हैं मीटियोर सिटी नाम तो कभी सुना हुआ लगता नहीं है मुझे। और तभी कैनरी बताती है कि वो उसका होम टाउन है। मीटियोर सिटी एक ऐसी सिटी है जो दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है, और वहां पे कोई कुछ भी फेंक सकता है, तुम अपना कूड़ा लेके वहां पे फेंक सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला है नहीं। और इसी वजह से उसी सिटी से फैंटम ट्रूप के बहुत सारे मेंबर्स भी आते हैं। उसके बाद किलुआ बोलता है कि फिर तो मुझे एक बार मीटियोर सिटी घूमने के लिए जाना होगा। और तभी कैनरी बोलती है कि मैं आपका गाइड बन सकती हूँ वहाँ पे। और उसके बाद किलुआ इसको रिदम इको सिखाता है, वही वाला मूव जिसके अंदर ये मतलब चल तो रहा होता है लेकिन पता नहीं होता कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट कौन सा, जो आफ्टर मैच क्रिएट करता है ना ये, वो वाला मूव इसको दिखाता है। लेकिन इसका मूव खत्म होने से पहले ही ये बोल देती है कि कोई तो यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारे इंट्रूडर यहाँ पे आ रहे हैं। तभी किलो बोलते घबराने की जरूरत नहीं है, मीके सबको संभाल लेगा। और तभी ये बताती है कि मीके को आज छुट्टी दी गई है क्योंकि मास्टर को मेरी एबिलिटी पे शक हो रहा था, तो वो टेस्ट करना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 60-70 बंदे, लगभग 60-70 बंदे एक साथ यहाँ पे आ जाते हैं और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब जो मैंशन का रास्ता उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी इनको कैनरी दिखी जाती है और कैनरी बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी और तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। तब ये पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन, तो वो बताती कि मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हें मुझे जबरदस्ती निकालना होगा। उसके बाद हम सिक्वेंट को देखते हैं जो बोलता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, इसको हम निपट लेंगे। और ये बहुत सारे लोग एक साथ हमला करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन कैनरी इतनी ताकतवर है तुम्हें तो पता ही होगा पिछले एपिसोड से, इन सबको अच्छी तरह से धुलाई कर देती है। और जिस तरह के मूव्स वो करती है ना, काफी कमाल के मूव्स करती है यार वो। सिक्वेंट के ऊपर जब पहला अटैक होता है तब से वो एक जगह पे जाके गिर जाता है और तब से वो उठा ही नहीं होता। और उसके बाद बहुत सारे लोग हथियार लेके कैनरी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन कैनरी बहुत ही अच्छी तरह से इनसे लड़ती है, मूवमेंट बहुत तेज होता है, इसको देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। और इस वजह से कैनरी इन सबको धूल चटा देती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कैनरी के आसपास सिर्फ डेथ बॉडीज ही पड़ी हुई हैं, शायद मर चुके होंगे, बहुत सारे मर चुके होंगे, शायद कुछ जिंदा भी होंगे, और डेथ बॉडीज ही दिख रही होती है हमें वहाँ पर, और कुछ दिख ही नहीं रहा था। और बिना पसीना बहाए इन सबको इसने बहुत ही आसानी से मार दिया होता है, जो चीज़ इनका जो लीडर होता है उसने भी नोटिस कर रखा होता है। और उसका लीडर पूछता है क्या तुम जोल्डिक फैमिली से हो, तब ये बताती है कि मैं जोल्डिक फैमिली से हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक अप्रेंटिस बटलर हूँ। इसके बाद लीडर कैनरी के ऊपर हमला करता है, वो भी दो दो तलवारों से, और ये भी डिफेंड कर तो रही होती, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर पता चलती है कि जो लीडर है वो भी कच्चा प्लेयर है नहीं, वो काफ़ी अच्छी तरह से इसे फाइट लेता है। कैनरी उसको बार बार डॉच कर रही थी, और इसके पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, मतलब ये तलवार भी चलाता है, साथ में कभी कभार तीर भी निकाल देता है, किसी भी जगह से तीर निकाल पाता है। एक बार तो ये तलवार के पीछे से तीर निकालता है, और दूसरी बार ये अपने जवान के अंदर यानी कि मुंह के अंदर दो तीर रखा होता है, उससे वो तीर निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से कैनरी को इतना मौका मिलता नहीं है। वो एक तीर को डिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन दूसरा तीर उसके हाथ में जाके लग जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में बहुत बड़ा गहरा सा चोट भी लग जाता है। उसके बाद वो लीडर बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ और मैं एक छोटे बच्चे से नहीं हार सकता। और तभी हम देखते हैं कि कैनरी जो होते हैं ना वो रिदम इको यूज करती है, यानी कि
कैनरी को बहुत पहले से रिदमिक को आता था, लेकिन उसने मास्टर की लुआ को नहीं बताया होता और रिदमिक को का इस्तेमाल करके वो उसको बार बार अटैक करती है, लेकिन ये जो लीडर होता है उसको समझ में ही नहीं आता कि ओरिजिनल कौन सा और डुप्लीकेट कौन सा है। ये बार बार हमला तो कर रहा था लेकिन वो शेडोज के ऊपर वो हमला कर रहा था, ओरिजिनल वाला इसको अच्छी तरह से कूट देता है और इस मूव को यूज करके वो बड़े ही आसानी से उस लीडर को हरा देती है। और उसके बाद हम देखते हैं सीक्वेंट को जो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, बोलता है कि मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, वो चिल्ला रहा होता है। और तभी ये लड़की यानी कि कैनरी जेब्रो को बोलती है कि जेब्रो मैंने तुम्हें देख लिया। और तब हम जेब्रो को देखते हैं और जेब्रो के साथ मीके भी होता है जो अभी मतलब खाना खाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसके बाद मीके सिक्वेंट के पीछे आके खड़ा हो जाता है और सिक्वेंट की फट जाती है इसको देखते ही। और शायद यहाँ पे जेब्रो ने सिक्वेंट की मदद की होगी, उसको मीके को नहीं खिलाया होगा, लेकिन बाकी सब जितने भी थे उन सबको मीके को खिला दिया जाता है। उसके बाद हम किलुआ और कैनरी को देखते हैं जहाँ पे किलुआ बोलता है कि तुम्हें ये रिदमे को आता था। तब कैनरी उससे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं आपको बस बेइज्जत नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं। उसके बाद किलुआ बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, और कैनरी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। और तब उसके बाद किलुआ फिर से पूछता है तुम्हें पता है मेरे साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इसके मन में तो होता है हाँ, लेकिन तब ये इसकी माँ को नोटिस करती है, यानी कि किलुआ की माँ को नोटिस करती है और ये बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉयर और मैं आपसे कभी भी दोस्ती नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद हमें गॉन दिखाया जाता है जो बोलता है कि चलो दोस्त बनते हैं। और उसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो चेन के अंदर जकड़ा हुआ होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैनरी के पास होता है, जहां पे कैनरी मरी नहीं होती, वो सिर्फ बेहोश होती है ऐसा लियोरियो बताता है, और थोड़ी देर बाद इसको होश शायद आ भी जाए। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां पे मिलुकी किलुआ को पीट रहा होता है और उससे जगने के लिए बोल रहा था। तब ये जगता है और इसको गुड मॉर्निंग बोलता है और बोलता है दिन का कौन सा समय चल रहा है अभी। इसके बाद मिलुकी इसको और भी ज्यादा पीटता है और बोलता है कि तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो। उसके बाद किलुआ बोलता है कि सॉरी भाई तुम्हें चाकू मारना गलत आइडिया था। और इसके बाद ये उसको और भी पीटता है और बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम सॉरी नहीं बोलना चाहते, बस तुम ऐसे ही बोल रहे हो मजाक के लिए। उसके बाद मिलुकी के पास किसी का फोन होता है और ये बोलता है कि मैं समझ गया। और उसके बाद ये बताता है कि इसके दोस्त बटलर स्क्वाड तक पहुंच चुके हैं और ये पूछता है कैसा होगा अगर मैं मामा को बता के उन सबका कत्ल करवा दूं, उन सबको मार दूं तो कैसा होगा। और तब किलुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपना एक चेन तोड़ देता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को छुआ भी मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। उसके बाद किलुआ की मम्मी को दिखाया जाता है जो अपने आप को उसकी मम्मी की तरह इंट्रोड्यूस करती है और कालूत को भी इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद गौन पूछते हैं कि किलुआ आखिरकार अब तक हमें देखने के लिए क्यों नहीं आया। और तब उसकी मम्मी बताती है कि जब किलुआ आया था तब उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट था क्योंकि उसने मेरे ऊपर और अपने भाई के ऊपर चाकू से हमला किया था, इसलिए वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर यानी कि एक ऐसा कमरा जहां पे वो अकेला कैद है, वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट था, उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था कि उसने गलत किया, इसलिए वो अपने आप को उस कमरे के अंदर बंद करके रखा है और वो कब निकलेगा हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन अचानक से किलुआ की मम्मी चिल्लाने लगती है कि फादर ऐसा मत करो, फादर वो अभी ही तो आया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम किलुआ के ग्रैंडफादर जैनो को देखते हैं जो बोलते हैं कि बहुत हो गया मिलुकी, बस करो अब। लेकिन मिलुकी बोलता है लेकिन अभी तक इसने सॉरी भी नहीं बोला मुझे। और तब जैनो बोलते हैं कि तुम कैद से आजाद हो। और हम देखते हैं किलुआ अपने चेन खुद तोड़ देता है, यानी कि वो बांधा हुआ नहीं था यार, वो उसके पास उतनी ताकत थी कि वो कभी भी उस चेन को तोड़ सकता था और वो खुद तोड़ देता है, जिसको देख के मिलुकी थोड़ा सा घबरा तो जाता है। उसके बाद किलुआ अपने भाई मिलुकी से बोलता है कि मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें चाकू मारा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, इसलिए तुम मुझे जब मार रहे थे मैंने कुछ किया नहीं तुम्हें। उसके बाद जैनो बोलते हैं कि तुम्हारे फादर सिल्वा तुमसे मिलना चाहते हैं, और ये भी वहीं पे निकल जाता है। उसके बाद मिलुकी चिल्लाता है कि ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं, आप किलुआ को बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद ग्रैंडपा जैनो बोलते हैं कि किलुआ बहुत ज्यादा स्पेशल है और तुम्हें क्या लगता है उसकी पोटेंशियल क्या है। तब ये बताता है कि हाँ वो उसकी पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है और सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी शायद वही है हमारी जोल्डिक फैमिली के अंदर, और मम्मी को भी यही लगता है। लेकिन जब बात असासिन की आती है तब वो एक फेलर है क्योंकि उसको दोस्त बनाने हैं और वो इमोशनली ज्यादा स्टेबल है नहीं, वो मेंटली वीक है और रोतरू बच्चों की तरह बिहेव करता है। और जैनो भी बोलते हैं हाँ ये बात तो सच है। उसके बाद मिलुकी बोलता है मुझे किसी को मारने के लिए बोलो, मैं तुरंत उसको मार दूंगा। और साथ में वो बताता है उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उसने एक छोटा सा बम बनाया होता है जो कि एक मस्क्यूटो के ऊपर भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मस्क्यूटो टारगेट को पहचानेगा कैसे और किस तरह से उस टारगेट के पास पहुंचेगा। उसके बाद जैनो बोलते हैं तुम टैलेंटेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चूतिया नहीं हो। उसके बाद किलुआ की मम्मी बोलती है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। और तभी गॉन बोलता है कि किलुआ को बता देने के हम यहीं पे है और वह उनसे आके मिले। और ये बोलती है कि हाँ मैं बता दूंगी। और तभी
ये आगे निकल जाती है, लेकिन कलू तो रह जाती है और पूछती है कि तुम सब कौन हो। तब ये बताते हैं कि हम किलुआ के दोस्त हैं। और इसके बाद इसकी मम्मी जो होती है ना, कलू तो भी बड़े जोरों से बुलाती है और कलू तो भी पीछे पीछे भाग जाती है। इसके बाद कुरापिका बोलता है कि किलुआ की मम्मी बहुत बड़ी झूठी है, वो झूठ बोल रही होती है। तब लियोरो बोलता है क्यों ना हम उसके पीछे जाएं, लेकिन गौन बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सारा दोष कैनरी के ऊपर आ जाएगा और कैनरी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद कैनरी को होश आता है और बोलती है मैं तुम्हें बटलर्स ऑफिस तक ले जाती हूँ, वहां पे एक फोन है जो कि डैड मेंशन के साथ कनेक्टेड है, और अगर फादर जेनो किसी तरह से फोन उठा लेते हैं तो तुम किलुआ के साथ मिल सकते हो। उसके बाद शिन शिफ्टो के कुत्ते को दिखाया जाता है जिसको वीडियो में जकड़ रखा होता है, और उसके पास सिल्वा होता है, और सिल्वा किलुआ के सामने होता है और किलुआ से पूछता है कि एग्जाम के अंदर क्या हुआ, तुमने कैसे दोस्त बनाए, मुझे सब कुछ जानना है, तो तुम यहाँ पे आओ मेरे साथ बैठो और मुझे सब कुछ बताओ। और किलुआ भी बताने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद किलुआ की मम्मी बड़ी तेजी से भाग के आ रही होती है, उसके साथ कलू तो भी होती है, और ये बोलती है कि मुझे किसी तरह से किलुआ को रोकना होगा, क्योंकि उसको पता है किलुआ किसी ना किसी तरह से तो भागने वाला है। उसके बाद किलुआ गॉन के बारे में बताता है कि कैसे वो हांजो से लड़ रहा था तब वो सरेंडर नहीं कर रहा था, उसके अंदर मतलब एक जुनून सवार हो गया था, कैसे हांजो उसको मारने की तक धमकी दे रहा था, इतना ब्लेड उसके सर पे दे मारा था, उसके बावजूद कैसे गॉन हार मानने से इनकार कर रहा था, वो सब बता रहा था। तभी सिल्वा उसको रोकता है और बोलता है कि बेटा हमने कभी बाप जैसे कभी बातें की नहीं, मैंने तुम्हें वैसे ही पाला है जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, लेकिन तब जब तुमने हमारा घर छोड़ के चले गए थे तब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। उसके बाद सिल्वा बोलता है कि अभी तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हें याद आए तो हमारे घर पे आ जाना। उसके बाद बोलता है कि तुम अपने दोस्तों से धोखा नहीं करोगे, मुझे वादा करो, और अपने हाथ से खून निकालने लगता है। और उसके बाद किलुआ भी अपने अंगूठे से खून निकालता है और खून को मिला के वो वादा करते हैं। इसके बाद किलुआ अपना बैग बस्ता उठा के निकलने लगता है, लेकिन तभी किलुआ की मम्मी आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें देरी हो गई बेटा, वो तीनों चले गए और तुम अपने घर पे चले जाओ अपने रूम के अंदर। लेकिन ये बोलता है कि मैं अपने रूम पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। और तभी ये अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसको समझ में आ जाता है कि अगर किलुआ के ऊपर ये अटैक करेगी तो किलुआ भी पीछे हटने वाला है नहीं, और वो रुक जाती है। उसके बाद कैनरी गॉन और उसके दोस्तों को बटलर्स हेडक्वार्टर तक ले जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं किलुआ की मम्मी किलुआ के पापा के ऊपर यानी कि सिल्वा के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन सिल्वा बोलते हैं चुप रहो, और सिल्वा बोलता है कि एक दिन वो घर पे जरूर आएगा, और जिस दिन वो आएगा वो एक प्रॉपर असैसिन बन के आएगा, क्योंकि वो मेरा ही तो बेटा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो अगर सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो घंटी को जरा जोरों से दबाना, एकदम टर्न करके आवाज़ आ जानी चाहिए।